पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उविन्ति नया विभोगा विगईम उविन्ति जे तप ओसीय परिग्रहीय सो ते सुमोहा विगईम उवे एवं वियत्थाय मनस अत्था दुःखस्य हेयं मनुजस्य रागिणो ते चैव थोवन्ति कया इ दुःखं न बीय रागस्य करेन्ति किंचि। हमारे शरीर में पांच इंद्रियां हैं, श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। ये पांच इंद्रियां अपने प्रतिनियत विषयों का ग्रहण करती हैं, अपना अपना निर्धारित विषय है। श्रोत्र कान का विषय है शब्द और कान का कार्य है सुनना। तीन चीजें हो जाती है, इंद्रिय, इंद्रिय का विषय और इंद्रिय का व्यापार यानी प्रवृत्ति। इंद्रिय, इंद्रिय विषय और इंद्रिय व्यापार। श्रोत्र एक इंद्रिय है, उसका विषय है शब्द और श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार यानी प्रवृत्ति है सुनना। श्रोत्र के द्वारा हम शब्दों को, आवाज को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। चक्षुरिंद्रिय है तो चक्षु का विषय है रूप और उसका व्यापार है देखना। हम चक्षुरिंद्रिय नेत्रों से रूप को देखते हैं। घ्राणेन्द्रिय है नासिका, उसका विषय है गंध और उसका व्यापार है गंध को ग्रहण करना, सूंघना, गंध को ग्रहण करना। रसनेन्द्रिय जिह्वा, उसका विषय है रस और उसका व्यापार है आस्वाद का अनुभव करना, स्वाद का अनुभव करना। स्पर्शनेन्द्रिय है स्पर्शन इंद्रिय, उसका विषय है स्पर्श और व्यापार है स्पर्श का अनुभव करना, छूना। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं। पांच कर्मेंद्रियां और हैं, हाथ पांव आदि, ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, वे भोगेंद्रियां भी बन, उनसे भोग भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। तो इंद्रियों से दो कार्य हो सकते हैं, हम ज्ञान भी कर सकते हैं और राग द्वेष नहीं तो केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और राग द्वेष युक्त होकर, आसक्तिमय होकर हम, यानी आदमी, विषयों का भोग भी इंद्रियों के द्वारा कर सकता है। पांच इंद्रियां हैं, उनमें श्रोत्र और चक्षु, ये दो कामी इंद्रियां हैं, कामी। शेष तीन घ्राण, रसन और स्पर्शन, वे तीन भोगी इंद्रियां हैं। इस प्रकार इंद्रियों को दो वर्गीकरणों में
विभक्त किया जा सकता है। कामी और भोगी, श्रोत्र और चक्षु कामी, घ्राण रसन और स्पर्शन भोगी इंद्रियां, और इस आधार पर शब्द और रूप ये काम, गंध रस और स्पर्श ये भोग। तो हम श्रोत्र और चक्षु जो हैं इनमें भी थोड़ा सा अंतर है प्राप्यकारी अप्राप्यकारी का। श्रोत्र है वो प्राप्यकारी, शब्द को प्राप्त करता है, शब्द को प्राप्त करके मनो अवबोध करता है, शब्द कान में पड़ता है, परंतु रूप है वो आंख के अंदर नहीं पड़ता है। आवाज हमारे कान में आती है, रूप है वो आंख के अंदर नहीं आता है, वो दूर से हम देखते हैं। ये थोड़ा प्राप्यकारी अप्राप्यकारी का श्रोत्र और चक्षु में अंतर है, जबकि घ्राण रसन और स्पर्शन ये भी प्राप्यकारी। यों चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं और चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी आश्रय। तो खैर, मूल हम दो वर्गीकरण, कामी और भोगी। तो श्रोत्र और चक्षु ये कामी इंद्रियां तो हैं ही, परंतु इसके साथ ज्ञान प्राप्ति की सक्षम साधन ज्यादा रूप में ये दो इंद्रियां प्रतीत होती हैं। श्रोत्र और चक्षु के द्वारा जितना ज्ञान किया जा सकता है, संभवतः घ्राण रसन और स्पर्शन के द्वारा सामान्यतया हम उतना ज्ञान ग्रहण नहीं करते। अब छोड़ दें, कोई ब्लाइंड है कि वो आंख से तो पढ़ नहीं सकता और वो कोई स्पर्श के द्वारा ज्ञान ग्रहण करे, वो एक थोड़ा अलग विषय बन सकता है। एक थोड़ा स्पर्श के द्वारा वो पढ़ ले, ज्ञान कर ले, पर सामान्य वो भी आखिर कितना मात्र कुछ ज्ञान वो ठीक है स्पर्श के द्वारा पढ़ ले कर ले, पर सामान्य जो विधि है श्रोत्र और चक्षु ये बड़ी माध्यम बनती हैं ज्ञान ग्रहण की। कैसे? कान हमारे पास हैं, हम कान से यानी आदमी सुनकर के कितना ज्ञान कर लेता है। महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में कितने वो लेक्चरार प्रोफेसर के हों, सुन सुन करके, साथ में किताबों का भी योगदान है, विद्यार्थी कितना ज्ञान ग्रहण करता है। तो मास्टर जी स्कूल में बताते हैं, वो तो बोल बोल कर ही ज़्यादा बताते होंगे, या बोर्ड पर कुछ लिखना करना है बोल बोल के बताना, वो बोलते हैं और बच्चे ग्रहण करते हैं। तो हम कान से ग्रहण करते हैं, और आज तो एक जगह विद्यार्थी लाडनू में बैठे हैं, मान्य विश्वविद्यालय में भाषण देने वाला जयपुर से दे रहा है, सामने उसका भाषण आ रहा है, दूर बैठे भी वो कान के द्वारा आवाज़ को सुन रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। रोहिणी ये चोर था, उसने तो मानो कान के द्वारा ही ज्ञान कर लिया था। हम लोग कल वो अवलोकन, वो यहाँ कुछ ये ज्ञानशाला जो भी वो कुछ प्रदर्शनी जो भी की हुई थी देखने के लिए गए, छोटे 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 परिसंवाद या नाटक जैसे जैसे से थे, और कई चीज़ें अच्छी ज्ञान की बातें, नरक में कैसे कष्ट झेलने होते हैं। तो मैंने देखा उस दृश्य को आँख से देखा, तो मुझे तत्वार्थ का वो परस्परो दीरित दुखा, वो परस्पर झगड़ रहे थे, अभिनय कर रहे थे नारकीय वो बच्चे, और तो परस्परो दीरित दुखा, परमाधार में से होने वाली वेदना, ऐसी वो वेदनाएं जो ग्रंथों में आती है वो वहाँ दिखाई जा रही थी। और भी कई देवलोक में कौन जाते हैं, संयमा संयम सराग संयम बाल, ऐसी कई बातें थी वहाँ, तो वो हम देख रहे थे। तो रोई नहीं चोर का भी दृश्य था, कैसे भगवान महावीर की वाणी
कान में पड़ गई, बिना मन मान लो पड़ गई होगी, कांटा चुभ गया, एक हाथ को कान से हटाना पड़ा। और उसी समय परम प्रभु महावीर की वाणी कान में पड़ गई। को देवता के जो भी लक्षण चार लक्षण, तो यो कान के द्वारा हम कितना ज्ञान प्रवचन होता है, तो कान से ही लोग सुनते, श्रोता कान से आप लोग बैठे हैं, विराजमान हैं, यहाँ आप हैं, पता नहीं मुझे बाहर कितने कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो सकते हैं, तो कान से सुनते हैं, सुनकर हम कितना ज्ञान ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल में तो पता नहीं, आज तो इतनी किताबें और सामग्री है पढ़ने की, हजारों वर्ष पहले या कई हजार वर्ष पहले, एक डेढ़ दो हजार वर्ष पहले कैसे गुरु की वाणी से, तब इतनी किताबें कहाँ रही होंगी। गुरु के द्वारा जो मिलता पूर्वों का ज्ञान, अब चौदह पूर्वों का ज्ञान जो साधु लोग ग्रहण करते थे, उनके पास कॉपी होती थी क्या, पेंसिल बॉल पेन कुछ होती थी क्या, ये किताबें होती थी क्या, लैपटॉप और ये सब चीज़ें, जो कंप्यूटर ये सब चीज़ें होती थी क्या, वो चौदह पूर्वों का ज्ञान किस प्रकार ग्रहण करते होंगे, संभावना लग रही है वो श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से, अपनी ज्ञान चेतना के माध्यम से, गुरु से ज्ञान देने वाले से ज्ञान ग्रहण करते होंगे। और कैसे वो इतना ज्ञान ग्रहण कर महान ज्ञानी श्रुत केवली की भूमिका तक पहुंचने वाले बन जाते, तो इसमें श्रोत्र का कितना बड़ा योगदान है। इसलिए यह श्रोत्र हमारे ज्ञान की बड़ी सक्षम माध्यम इंद्रिय है। इसी प्रकार चक्षु है, चक्षु भी बहुत बड़ा माध्यम है, श्रोत्र और चक्षु दोनों बड़े माध्यम हैं। अब चक्षु के द्वारा हम कितना ज्ञान कर लेते हैं, आज अब किताबें हैं, हम किताबें चक्षु से पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ कर हमारे संत लोग ज्ञान कंठस्थ कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने हजारों ग्रंथाग्र या गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना ज्ञान कंठस्थ, और भी हमारे चारित्रात्माएं आदि हैं, कैसे सीखते हैं, ज्ञान कंठस्थ करते हैं। तो ज्ञान आजकल तो वो पुस्तक माध्यम है, चौपनिया पुस्तक देखो और फिर रटो, तो देख देख करके याद करते हैं, तो पढ़ते हैं, तो चक्षु से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और कितने हमारे ग्रंथ हैं, आगम जैसे महान ग्रंथ, और भी कितनी किताबें हैं, जहाँ पढ़ करके ज्ञान, हमारे साध्वी मंगल प्रज्ञा जी बैठे हैं, जो पढ़ाने के इस व्यवस्था में रहे हुए हैं, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर के रूप में समणी के काल में सेवा दी है, ये जानते कैसे विश्वविद्यालय में आँखों और कान के द्वारा कितना ज्ञान ग्रहण होता है। तो ये विद्या के क्षेत्र में जुड़ी हुई रही हुई है, अभी भी ऐसे और भी ग्रंथों के अनुवाद जो भी कार्य से संपृक्त, तो हम चक्षु के द्वारा भी कितना ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। जो बात कई बार सुनते हैं तो कान से सुन लिया, हमें कुछ ज्ञान हो गया, बाद में उस दृश्य को आँख से भी देख लें तो बात कन्फर्म हो जाती है कि तीर्थंकरों ने फरमा दिया वो ऐसा, वो द्वीप ऐसा, वो ऐसा, वहाँ जाकर के आँख से देख लें, क्योंकि जो फरमाया था प्रभु ने अब आँख से देख लिया, एकदम बात बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकती है। कई बार सुनने से जितना क्लियरेंस, जितना जितनी स्पष्टता नहीं होती, आँख से उसको देख ले तो उसका ज़्यादा स्पष्टीकरण हो सकता। कान कोई बात कह दी, कान से सुन ली, ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है, भी साथ में लिखित में दे दो मुझे, फिर लिखित को आंख से पढ़ लो ये कहा था,
तो लिखित का और ज्यादा महत्व है। मौखिक बात है, 10 दिनों बाद कहने वाला भूल जाए एक बात को, आगे पीछे कर दे क्या पता, लिखित है भी तुमने लिख कर दिया था, हमारे पास प्रमाण है। और आगे बढ़ें तो लिखित से भी ज्यादा प्रमाण है कि ऑडियो वीडियो किया हुआ, वो और ज्यादा प्रमाण है। क्योंकि लिखित भी मान लो अक्षर कुछ धुंधले पड़ जाएं और कोई कुछ परिवर्तन कर दे बात में, मान लो ऑडियो वीडियो सब वीडियो, ऑडियो से भी वीडियो सामने है कि आदमी सामने दिख रहा है यह बोल रहा है, तो उसका भी ज्यादा प्रमाण है। और कोई विदा काम में ले ली जाए गड़बड़ी करने के लिए, कोई साधन काम में लिया जाए कि वीडियो में आदमी खड़ा है, उसके द्वारा बुलाया भी जा रहा है, पता नहीं बात को आगे पीछे कैसे तोड़ मरोड़ करके कुछ कर दिया जाए, तो कहीं वीडियो की बात भी अप्रामाणिक हो जाए तो हो जाए पता नहीं भगवान, फिर भी वीडियो का अपना प्रामाण्य हो सकता है। तो श्रोत्र और चक्षु, इन दोनों का बड़ा एक उपकार यानी बड़ा यह सहयोग हमें ज्ञान प्राप्ति में, अध्ययन करने में, शिक्षा में, जितना भी आज शिक्षा संस्थानों में अध्ययन अध्यापन होता है, भले स्कूल है चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटीज है, जो अध्ययन अध्यापन होता है उसमें तो सशक्त माध्यम श्रोत्र और चक्षु, संभवतः ये दो ज्यादा साक्षात सक्षम माध्यम बनते होंगे। तो ये दो इंद्रियां हैं, हम श्रोत्र से शब्द ग्रहण करते हैं और चक्षु से रूप का ज्ञान करते हैं। अब जो शब्द का ग्रहण होता है, उस शब्द का अर्थ हमें ज्ञात है या नहीं, शब्द का मतलब ज्ञात हो तो हमारा ज्ञान बढ़ सकेगा। अब जैसे हमारे बाल मुनि हैं, अब ये अगर गहरी यानी संस्कृत भाषा का मान लो अध्ययन नहीं है, या कोई संस्कृत में आधा घंटा भाषण दे देगा, इन्हें कितना क्या ज्ञान, क्योंकि शब्दों का अर्थ पता नहीं है। तो शब्दों का अर्थ हम जानते हैं तो हमें उस विषय का ज्ञान अच्छा हो सकता है। इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में बताया गया है, बिना व्याकरण ए नान्ध है, बधिर है कोश वर्जित है, साहित्य रहित है पंगु, मूकस तर्क विवर्जित है, कि भाषा के क्षेत्र में व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आदमी अंधे के समान है। अब व्याकरण भले हिंदी की ले लो, संस्कृत की ले लो, इंग्लिश की ग्रामर ले लो, और कोई भाषा की, व्याकरण का ज्ञान, अब संस्कृत की व्याकरण है, अब व्याकरण हमारे यहाँ कालू कौमुदी चलती है, श्री भिक्षु शब्दानुशासन भी है, और भी किताबें वाक्य रचना बोध और ऐसी है, तो व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, शब्द सिद्धि अच्छी तरह हो गई है, फिर धातु सिद्धि हो गई, कृदंत तद्धित आदि आदि समास और सारे ये व्याकरण के विषय अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, ज्ञान व्याकरण का अच्छा हो गया संस्कृत का, तो बाद में कोई पढ़ेंगे तो निर्णय कर सकते भी ये अशुद्ध है एक शुद्ध है, अशुद्ध मिदम शुद्ध मिदम, यह शुद्ध है अशुद्ध है, वो निर्णय किस आधार पर होगा। व्याकरण का ज्ञान बढ़िया होगा तो शुद्धा शुद्धि का निर्णय हो सकता है। तो व्याकरण का ज्ञान है तो वो चक्षुष्मान, वो ज्ञान नहीं है तो वो भाषा के क्षेत्र में एक प्रकार से अंधा अज्ञानांध व्यक्ति है। वह बधिर है कोश वर्जित है, वोकैबुलरी कोश नहीं है, शब्दकोश का ज्ञान नहीं है, एक शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो कोश का ज्ञान नहीं है, वो आदमी बहरा है। कि विद्वान आदमी कोई बोलेगा उसको शब्दों का ज्ञान है नहीं, तो श्रोता कान में तो शब्द पढ़ते हैं
मतलब नहीं समझ पाता, तो एक प्रकार का वो बहरा आदमी हो गया। साहित्य रहित है पंगु, साहित्य का विकास नहीं है तो वो पांगड़ा आदमी है भाषा जगत में। और मूकस तर्क विवर्जित है, तर्क शक्ति नहीं है वो मूक है। मूक कैसे है? ये बाल छोटे संत बैठे हैं, कोई इनको पढ़ाए, तर्क करने की वो दिमाग में क्षमता नहीं है तो हाँ में हाँ कर वो करो, हाँ 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 कर वो करो, वापिस तर्क नहीं, क्योंकि तार्किक क्षमता नहीं है। तर्क बुद्धि है तो महाराज ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब बात को हम अपने तरीके से ले सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब छोटे यानी मुनि थे तो मुनि तुलसी के पास संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, तो वो शब्द सिद्धि होती है तो वहाँ वो हमारे कालू कौमुदी में जो है सी औ जस हैं अम अव सस टाप भ्यांग विष गे भ्यांग विष गंस भ्यांग गंस ओस आम गी ओ सुप, ये सात विभक्तियों के रूप हैं। अब वो शब्द कैसे बनाना बनना, अब शब्द है जैसे जिन, अब जिन को हमें प्रथमा का एक वचन बनाना है तो जिन आगे लाओ सी, सी लाओ। अब वो सिद्धि की प्रक्रिया है, ई इत में चला गया सैका स्रोर विसर्ग है, विसर्ग बनाओ, ऐसे प्रक्रिया होती है। तो जिन के आगे लाओ सी, जो भी ऐसी। तो सी की बात आई तो वो विद्यार्थी मुनि नथमल जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी उस नथमल जी स्वामी टमकोर वो विद्यार्थी रूप में माने तर्क कर लिया कि सी क्यों टी क्यों नहीं, सी क्यों टी क्यों नहीं, प्रश्न कर लिया, जिज्ञासा कर ली। अब इस घटना का एक रूप तो यह बने, संभवतः मुनि तुलसी ने थोड़ा सा उसको क्या तुम समझते नहीं हो क्या, उसको थोड़ा सा कड़ाई के रूप में कि तुम समझते नहीं हो क्या यह प्रश्न करते हो, ऐसे इस रूप में संभवतः वो शिक्षक विद्यार्थी की बात है अपने अपने तरीके लिया ही होगा। तो शिक्षक तो खैर हमारे गुरुदेव तुलसी हैं। अब उस समय गुरुदेव तुलसी ने अपने ढंग से जो फरमाया होगा भी कि तुम समझते नहीं है क्या तर्क करते हो क्या प्रश्न, जो भी फरमाया ठीक है। आज अब मेरे पास ये हमारे ऋषि ये कोई पास जैसे संत मेरे पास कालू कौमुदी पढ़े और मैं बताऊं भी जिन लगाओ सी आगे लाओ सी, अरे हमारे ये अगर तार्किक जैसे नथमल जी स्वामी वो थोड़े तो ये भी हमारे कम थोड़े ही होंगे तर्क करने में, आशा करते हैं ऋषि है पार्श्व है ये भी हमसे तर्क कर ले कि सी क्यों आचार्य वर टी क्यों नहीं। तो शायद मैं कह दूं अभी सी से काम चलाओ पूर्वार्ध है, जब उत्तरार्ध में पढ़ोगे तो वहाँ टी भी आ जाएगा। उत्तरार्ध में हमारे मंगल प्रज्ञा जी साध्वी वरिया ये बैठे हैं कि धातु में तो ती लगाना पड़ता है, शब्द में सी लगाना पड़ता है, जब धातु सिद्ध करनी है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छतः गच्छामि गच्छावः गच्छामः गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेतः गच्छेयम गच्छेवः गच्छेमः गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतात गच्छतम गच्छतः गच्छानि गच्छावः गच्छामः अगच्छत अगच्छताम अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम अगच्छतः अगच्छम अगच्छावः अगच्छामः अगमत अगमताम अगमन् अगमः अगमतम अगमतः अगमम अगमावे अगमामे जगामे जगमतुः जगमु, ऐसे रूप चलते हैं। तो गच्छति बनाना है भवति बनाना है वहाँ ती लगाना पड़ता है, भू ती गमलिंग ती वहाँ धातु में ती शब्द में सी। तो मैं बाल छोटे संतों को कह सकता हूँ शायद कि भैया अभी तो सी से काम चलाओ शब्द सिद्धि है, बाद में धातु में जाओ कभी सिद्धि में तो ती लगा देना वहाँ पर। तो बाल मुनि छोटे संत नथमल जी स्वामी जी ने जो तर्क किया था कि सी क्यों ती क्यों नहीं, तो अब मैं इसको इस पहलू से देखूं कि नथमल जी स्वामी टमकोर की वो तर्क बुद्धि थी, तर्क विद्यार्थी में तार्किक बुद्धि होना शुभ का संकेत है। जो विद्यार्थी तर्क नहीं कर सके इसका मतलब अभी मंदता है कमी है,
विद्यार्थी की सफलता एक इसमें है वो सही तर्क कर सके। तो विद्यार्थी में तो तर्क बुद्धि होनी चाहिए, जितनी हमारे में तर्क बुद्धि होगी, देखिए कोई कह दे बड़ों के सामने तर्क फर्क क्यों करते हो, बड़ों के सामने तर्क क्यों, तो मेरा कहना है ज्ञाने तर्क है, ज्ञान में तर्क करना चाहिए। आज्ञायाम सतर्क है, आज्ञा में सतर्क करो, भी आज्ञा सतर्क अच्छी तरह पालन करो। ज्ञाने तर्क है, ज्ञान में तर्क होना अच्छा है, आज्ञा में सतर्क है, आज्ञा में सतर्क रहो, जागरूक रहो, क्या निर्देश है उसके पालन के प्रति जागरूक रहो। तो यह मूकस तर्क विवर्जित है, जो आदमी तर्क नहीं कर सकता वो मूक है। मूक कैसे हुआ, बैठे बैठे सुनते रहो सुनते रहो, तर्क तो कर नहीं सकता तो मूक हो गया ना, बोल नहीं पाता है कुछ। तो हमारे छोटे संत भी हैं और हमारे साधुया भी कोई हो, तो ये तार्किक बुद्धि ज्ञान में हम आचार्य भिक्षु को देखें, वे जब थानकवासी परंपरा में थे, रघुनाथ जी महाराज आगम पढ़ते करते तो जैसा आता है वो प्रश्न करते, महाराज यह कैसे, यानी वो एक तर्क प्रश्न संभवतः जो भी जिज्ञासा कह दें कुछ भी कह दें करते थे। तो यह तर्क करना कुतर्क नहीं करना, मतलब फालतू नहीं करना, एकदम सही ज्ञान वृद्धि के लिए तर्क करना है, वो एक शुभ शकुन है, शुभ संकेत है कि विद्यार्थी में तार्किक बुद्धि है, अच्छा विकास कर सकता है। तो श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्र और चक्षु का उपयोग हम ज्ञान के विकास में कर सकते हैं, इनके द्वारा हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दो इंद्रियां हैं, इनका हम ज्ञानेन्द्रिय के रूप में बढ़िया उपयोग करें। और जो शब्द ग्रहण होता है, रूप ग्रहण होता है, अब साधना क्या है, एक तो पक्ष हो गया इंद्रियों का ज्ञान का विकास करना, अब दूसरा पक्ष क्या, साधना। साधना क्या है कि जो शब्द श्रोत्र का विषय बन गया है, कान में आ गया है, हम उसका अर्थ भी जानते हैं, उसमें समता भाव रखना। शब्द हो सकता है अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों में समत्व भाव रखना। किसी ने कड़ा कह दिया, गाली दे दी, गाली का क्या मतलब हम जानते हैं, तो गाली के शब्द कान में पड़ गए तो भी समता शांति, कोई बात नहीं, कह दिया कोई बात नहीं, शांति रखें समता रखें। किसी ने बहुत प्रशंसा कर दी तो ठीक है, मुझे समता रखना है, प्रशंसा में ज़्यादा फूलना नहीं, निंदा में उदास नहीं बनना, कुमलाना नहीं, शांति में रहो। क्योंकि कई बार के निंदा कर दी मेरी, अरे निंदा उसने कर दी है तो तुम दुखी क्यों बनते हो, मैं क्यों दुखी बनूं, मन को यह समझाओ जो बातें उसने मेरे बारे में कही हैं या लिखित में कोई छपाई है मेरे बारे में, मान लो तो मैं यह सोचूं ये इतनी बातें जो आई है इनमें यथार्थ है या नहीं। मेरी निंदा के, आचार्य श्री तुलसी के समय तो निंदा के विरोध में कितने क्या छपे होंगे, आजकल तो मान लो उतने रूप में संभवतः होगा भी, होता भी। आजकल तो वो सोशल मीडिया जरूर एक साधन है, एक बात को भले खूब फैला दो, प्राचीन जमाने में फैलाने का इतना शायद नहीं था, एक गांव में गए तो वहाँ ठीक है पैम्पलेट छपा दिए, पोस्टर छपा दिए, कर दिए। आज तो एक घंटा में बात को कहाँ से कहाँ दुनिया में फैला दो, तो विरोध का साधन आज सशक्त है। गुरुदेव तुलसी के उस पूर्वार्ध जो था आचार्य काल का, कालूगणी के समय और विरोध होते थे, संभवतः विरोध तो ज़्यादा हुए होंगे, फिर विरोध करने के तरीके एक सीमित मात्रा के थे। आज विरोध का तरीका व्यापक है कि बात को खूब ज़्यादा फैलाया जा सकता है। तो ज्ञान का विकास, दूसरा इंद्रियों
का जो ग्रहण हो विषयों का, उसमें समता भाव रखना। मेरी निंदा के संदर्भ में ये बातें छपी हैं कि बोली गई हैं, इनमें यथार्थ कितना है, लगे कि बातें तो सही है, जो बातें कही हैं वे बातें सही हैं, मेरे में ऐसी कमियां हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरी कमियां बताई हैं तो मैं नोट करूं मेरी कमियां कितनी है, इतनी कमियां बताई है, मैं अपनी कमियों को कम करने का प्रयास करूं, ये तो बड़ा अच्छा काम किया, मेरी कमियां मुझे बता रहे हैं तो मैं अपनी कमियों को कम करूं, इन पर गुस्सा मैं क्यों करूं, नंबर एक। नंबर दो की बात है, ये तो सारी बातें फालतू व्यर्थ है, तथ्यहीन है, अब तथ्यहीन बातें लिखी है बोली है, मैं क्यों गुस्सा करूं, बेकार यथार्थ बातों को लेकर मैं दिमाग में तनाव क्यों करूं, मेरे लिए फालतू चीजें कुछ नहीं, बेकार की चीजें, मैं क्यों तनाव करूं। जो मन को हम समझा दे कि कुछ सही है कुछ गलत है, तो गलत को छोड़ो, सही बातों पर ध्यान दे करके अपने में सुधार करने का जितना संभव हो सके हम प्रयास करें, मैं प्रयास करूं। तो फालतू बातें, एक बाबा जी बैठे थे तो कोई 3-4 पृष्ठों का पत्र आया, शिष्य बाहर था, वो पत्र संवाहक से पत्र ले लिया और गुरुजी से कहा गोविंद गुरुदेव यह पत्र आया है। गुरुजी ने पत्र को लिया, पत्र को पढ़ा, पढ़ करके पत्र को कूड़ेदान में फाड़ करके डाल दिया। शिष्य बोला गुरुदेव इतना बड़ा पत्र था आपने, अरे इसमें कोई काम की चीज थी वो मैंने ले ली। कि काम की चीज गुरुदेव क्या थी, ये 3-4 पन्ने उसमें आलकिन थी, वो आलकिन मेरे काम की थी वो मैंने निकाल के रख ली, बाकी सब फालतू बातें थी मैंने फाड़ के सब फेंक दिया। तो काम की चीज जो वो ले ले, फालतू बात को संयम समता हमारा संबंध खत्म फालतू चीजों से। तो हम समता भाव श्रोत्रेंद्रिय के विषय में रखें, चक्षुरेंद्रिय है, रूप है, कोई अवांछनीय रूप है कुरूप है तो उसको भी समता भाव से सहन करें, समता भाव रखें। स्वरूप में राग नहीं, कुरूप में अष्टावक्र की बात के अष्टावक्र थे। अब रूप है कुरूप है, रूप का देखिए हमारे जीवन में मैं कितना सुंदर हूँ, आप लोग गृहस्थों के फिर भी थोड़ा महत्व हो सकता है इस रूप का, बाकी रूप का ज़्यादा महत्व नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर मैं हूँ या नहीं हूँ कोई खास बात, इतनी खास बात नहीं है, मेरा चेहरा कितना सुंदर है बहुत महत्व की बात नहीं है, कि चेहरा हमारा कितना हमारे संत लोग बैठे हैं, हमारे छोटे संत हैं तो चेहरे सुंदर हैं या नहीं, सुंदर हो भी सकते हैं सुंदर ज़्यादा नहीं भी हो, इसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है संतों का शरीर सक्षम कितना है, स्वस्थ कितना है, सबल कितना, इसका ज्यादा, चेहरा थोड़ा कम सुंदर चलेगा कोई बात नहीं, शरीर सक्षम होना चाहिए निरोग होना चाहिए, तो रूप का कोई इतना महत्व नहीं है। अब आप लोग कपड़े पहनते हैं, हमारे संतों के तो सफेद कपड़े हैं, एक तरह सादगी वाले कपड़े हैं, कपड़े कितने बढ़िया हैं, कितने कीमती हैं, कितने आधुनिक फैशन के हैं, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, साधारण कपड़ों में असाधारण व्यक्तित्व छुपा हो विराजमान हो सकता है, कपड़े सामान्य हैं आदमी महान कोई हो सकता है। तो आचार्य जी विराजमान थे, एक शिष्य आया बोला गुरुदेव आज आप नए कपड़े पहन लो, नए नए कपड़े आज पहन के विराजो, पछेवड़ी नई चोलपटा नया मुखपत्र का एकदम नई नई पहन के विराज जाओ। तो आचार्य जी तो थोड़े बहुत गहरे बड़े महान निष्क्रिय है, तो कहा भाई क्या बात है नए कपड़े क्यों पहनना है, रोज पहनता हूँ वो पहन रखे हैं मैंने, अब नए कपड़े आज क्यों पहनूं। कहा गुरुदेव आज कोई राजनेता बड़े आदमी आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो बड़े आदमी आएंगे तो आप बढ़िया मुखपत्र का एकदम नई नए पछेवड़ी नया चोलपट्टा सब नए नए पहन के विराजो, तो बड़े आदमी
आपसे मिलने आने वाले हैं। ठीक है, शिष्य ने कहा, उसका भी अपना एक अच्छा चिंतन एक संदर्भ में हो सकता है। आचार्य जी का कहना, आचार्य जी ने कहा, अच्छा वो बड़े नेता जो आज आने वाले हैं वो मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या, वो कि कितने बढ़िया कपड़े पहनने हैं, वो मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या? कहने कपड़े तो नहीं देखने के लिए आ रहे हैं, तो क्यों वो आके बात, तो वो मेरा ज्ञान देखेंगे कि मेरे कपड़ों को ध्यान ज़्यादा देंगे, तो मेरा ज्ञान अच्छा होना चाहिए, उसका महत्व तो कपड़े कितने हमारे बढ़िया हैं इसका ज़्यादा महत्व नहीं, हमारा ज्ञान कितना बढ़िया है, शिक्षा कितनी अच्छी है, बहुसूतत्व कितना है, बहुविद्यत्व कितना है, इसका ज़्यादा महत्व होता है। तो हाँ ठीक है, कपड़े गंदे नहीं, हमारे संत लोग कपड़े गंदे नहीं होने, यहाँ तक तो ठीक है गंदे नहीं हो, बाकी बहुत बढ़िया नए नए कपड़े दिखाएं करें, बाकी तो मौके की बात है कब क्या करना उचित हो, पर कपड़ों का महत्व कम है, ज्ञान का महत्व ज़्यादा है। आप लोग आभूषण पहनते हैं, गहने अलंकार आभूषण, कान में भी आभूषण चाहिए, हाथों में अंगूठियाँ बिंटियाँ पहनी हुई, और भी गले में भी हार और आभूषण हैं, तो आपके ये आभूषण हैं ये आपके लिए भला भले महत्व हो तो हो, कुछ भी के कोई फंक्शन में जाएं, कहीं जाएं, शादी में जाएं तो खूब अच्छे गहने पहन के अच्छे, तो आपके समाज में थोड़ा महत्व हो सकता है, पर गहराई में हम ऐसे सोचें तो इन बाह्य आपके आभूषणों का ज़्यादा महत्व नहीं, सद्गुणों का ज़्यादा महत्व है। सद्गुण आप में हमारे में कितने हैं, हालांकि हम लोग तो ऐसे ही आभूषणों से विरत रहने वाली संस्था के लोग हैं, आप लोग गृहस्थ हैं कि आभूषण आपने बढ़िया पहने या नहीं कोई खास बात नहीं, सद्गुण आभूषण कितने हैं वो चिंतन का विषय होता है। तो ये रूप जो सामने आते हैं कि आदमी का रूप बाह्य रूप सामने आता है, तो बाह्य रूप का थोड़ा महत्व तो मान लें, थोड़ा महत्व कि रूप कितना सुंदर है। अब गुरुदेव तुलसी का भी रूप तो कैसा था, गीत में जो लिखा गया, कानों की छटा निराली आँखें इमरत की प्याली, कानों की छटा आँखें इमरत की, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो गुरुदेव तुलसी का जो एक वर्णन किया गया है कि कान कैसे थे, आंखें कैसी, कितनी सुंदरता, हमने तो आंखों से देखा है, आप में भी कईयों ने गुरुदेव को आंखों से देखा है, उनका सौंदर्य जो भी शरीर था, तो सुंदरता होना मान लें कोई नामक्रम, शुभ नामक्रम का उदय है, इतनी सुंदरता मिल गई, तो यह सुंदरता तो उदय भाव हो गई ना, नामक्रम उदय है, पुण्य मान लें, क्षयोप संभाव नहीं है, सुंदरता अपने आप में क्षयोप संभाव नहीं, क्षयोप संभाव क्या,
वो चारित्र है, सम्यक्त्व। तो गुरुदेव तुलसी का बाह्य सौंदर्य वो एक पक्ष है, हालांकि आसातना न हो मैं इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, पर आदमी में क्षोभ संभाव कितना है, चारित्र कैसा, सम्यक्त्व कैसा, ज्ञान कैसा, उसका बहुत ज़्यादा चेहरा बहुत फूटरा है, ज्ञान पढ़ा लिखा कुछ है ही नहीं, तो वो केवल चेहरा कितना क्या काम आएगा। तो हम रूप को देखते हैं, उसमें भी राग नहीं, द्वेष नहीं, समत्व भाव रखें। और भी इंद्रियां हैं, घ्राण रसन स्पर्शन, इनके विषय गृहित तो होते हैं, तो उनके प्रति भी राग द्वेष से बचने का प्रयास हो, और हम इंद्रियों का बढ़िया उपयोग करते रहें। पांच इंद्रियां हैं, इनका बढ़िया सदुपयोग करने का प्रयास करें, कि कैसे कान से बढ़िया सुने, अच्छी बातें सुने, इसमें उपयोग करें, आँखों से बढ़िया देखें, कोई संतों के और के दर्शन भी हो सके तो आँखों से करें। शिव मंदिर स्वामी तो अभी दर्शन को मुश्किल से हैं, कहते महाविदे में बताए गए हैं, वहाँ तक जा पाना इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, कि लब्धि मिल भी जाए तो लब्धि का उपयोग करना साधु के लिए वैसे कल्पनीय वांछनीय नहीं, तो लब्धि भी मिल जाए, उड़ करके महाविदे में चले जाएं तो भी वांछनीय नहीं, और देवता कोई ले जाके दर्शन करा दें, भी देवों का भी सहयोग हम क्यों, उनको भी क्यों श्रम दें दर्शन करने के लिए, तो उनके दर्शन मान लो नहीं हो सके, तो हम तो वर्तमान में जो साधु आदि गुरु आदि उनके दर्शन और उससे भी आगे आत्मा में रहने का, आत्म दर्शन करने का प्रयास करें, भी आत्मा के दर्शन उस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें, और सम्यक्त्व व चारित्र इन दो को ज़्यादा से ज़्यादा निर्मल रखने का, निर्मल बनाने का वो प्रयास करें, कि सम्यक्त्व निर्मल और चारित्र निर्मल है, उसमें जागरूकता है, तो हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो जो पांच इंद्रियां हैं, हम उनका दुरुपयोग करने से बचने का प्रयास, और बढ़िया धार्मिक आध्यात्मिक उपयोग करने का सुप्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयप्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्तेम।